सहजनवा में ई लोकसभा के आखिरी भाषण महाराज जी तय कहना ई सहजनवा में जितना भी कार्य भइल पता नहीं महाराज जी के हमेशा सहजनवा के नाम ला तो उनके चेहरे पे बड़ा खुशी आवल बड़ा आनंदित रहना। मात्र शक्ति आयल बाड़ी अपने महाराज जी के देखे लड़का बच्चा आयल बाड़न बाबा लोग आयल बाड़न कि आज महाराज जी जे सांसद रहना जे हमनी के हिंदू गौरव बाड़न पीठाधीश्वर आज पूरे भारत में दौरा करत रहन 200 सभा हो गई उनकर और प्रधानमंत्री मोदी जी के संगे संगे 200 सभा करके हमारे महाराज जी 45 डिग्री में ना थकत आड़न ना चलत आड़न सोचा देश खातिर ना तो महाराज जी तो पीठाधीश्वर हैं महाराज जी तो महाराजा हैं लेकिन अपने देवतुल जनता खातिर अपने गोरखपुर खातिर अपने उत्तर प्रदेश खातिर अपने देश की जनता खातिर चलत आड़न। और ऐसे में पूज्य महाराज जी का स्वागत अभिनंदन यहाँ के कम समय में लोकप्रिय विधायक जी माननीय प्रदीप शुक्ल जी इतना सुंदर शब्द हमारे लिए बोल रहा धन्यवाद लेकिन हम आपके कार्यशैली से और आपके संगठन से मंडल अध्यक्ष से पार्षदगण से चेयरमैन से जितना भी जिला पंचायत सदस्य हैं सब लोगन के पूर्व विधायक जी एम सिंह जी से लेके सबके हम धन्यवाद देव देवकुल जनता के एक एक छोटे कार्यकर्ता से लेके बड़े कार्यकर्ता जे पानी पिया हुआ था जे देखा था माई बहन का ख्याल रखा था जे देखा था कोनो तकलीफ ना हो ये ऐतिहासिक भीड़ भर दुपहरिया में उन सबके गोड़ छू के हम धन्यवाद देव और ये मंचासीन समस्त हमारे नेता गण के चूंकि महाराज जी के बांस गांव जाए के बा फिर महाराज जी का दोबारा शहर में को भव्य रोड शो हुई लाखों लोग यहाँ तो महाराज जी का समय बड़ा एक सेकंड कीमती बाटे सभी मंचासीन के हम प्रणाम करब और अपन बात रखब वो बात ही बा मातृशक्ति आयल बाड़ीन इतना मातृशक्ति आयल बाड़ीन ऐसे पता चला था कि मोदी योगी जी के राम राज्य में सब कितना प्रसन्न है सबके लड़का बच्चा के राशन मिला था सबके लड़का बच्चा के सुविधा मिला था यार बगल में पूज्य महाराज जी गरीब का बच्चा मजदूरी नहीं करेगा हर समाज का 70 करोड़ का स्कूल बना देना 70 करोड़ का एक रुपया ना लगी ले जाके अपने बच्चा के पढ़ावा ई महाराज जी का सोच भाई मोदी जी का सोच भा जिनका चुनाव बाजे प्रधानमंत्री बनिया 4 तारीख के बाद जिनका खातिर आयल बाड़ा सब लोग महाराज जी बनेले बाड़न देखा ही सोच गीडा इंडस्ट्री लेला रोजगार अनगिनत गोर मतलब सहजनवा में जहां अखिलेश यादव जी कब्रस्तान का बनाए का सोच रखत रहना वहां हमारे पूज्य महाराज जी का सोच देखा पॉजिटिव सोच देखा कि वहां गीडा इंडस्ट्रियल एरिया बन गए जहां एक आदमी सोच रहा था कि हम कब्रस्तान बनाएंगे वो मुख्यमंत्री रहना और पूज्य महाराज जी क्योंकि ये निस्वार्थ संत हैं कुछ ना चाहिए हो ना मोदी जी के ना हमारे महाराज जी के ये लोग धरती पे अवतरित सदियों बाद बहिना खाली देवे खातिर ऐसे महाराज जी जहां बहन बिटिया बच्चा व्यापारी यहाँ व्यापारी वर्ग बहुत बड़ा बैठा हुआ है यहाँ मंच पर भी व्यापारी सब बैठे हैं सहजनवा के पहले डरात रहना पहले यहाँ माफिया लोग रहना सपा के कट्टा और बंदूक लहरावत रहना केहू का फोन बन जाए एक बहुत बड़े शंभू शाह जी हमके परसों बैठक में बताइना बोले अरे भैया हो अपने कुल व्यापारी के कहत रहना बहुत बड़े आदमी है वो हम परसों ही मिले उनसे वो कहत रहना महाराज जी सब व्यापारी लोग के कि तनी मनी तोनी तकलीफ होई तनी महंगाई लगत होई लेकिन आज व्यापारी के मालूम बाव के महरा उनके धर्म पत्नी के उनके बच्चा लड़का के हमार पति जाई काम पर तो जिंदा शाम के लौटी आज पति हमार लड़का काम पर जाए जिंदा लौटी केहू का फोन नहीं बजता केहू रंगदारी नहीं खेते आज माफिया लोगन का पूरे उत्तर प्रदेश में वो हाल हो गई बा जैसे हम कहा म्यूजिशियन लोग तैयार हैं सुन ला माफिया लोगन का क्या हाल बाटे ई उत्तर प्रदेश में जहां मोदी जी के माई बहन लोग एक वोट 14 में देलू मुझे महाराज जी के 17 में देलू राम मंदिर बन गई लो 500 साल का तपस्या और ये विरोधी सोचा तारण कि राम मंदिर पर ताला लग जाए गलती से प्रधानमंत्री के रोक दें इस 26 लोगन का जो दलदल आयल बा इन लोगन का सपना बा भारत के टुकड़े करना इनका सपना बा कि शरीयत कानून लाना अरे नहीं हो भीमराव बाबा साहब अंबेडकर का जो कानून संविधान बा हमरे मोदी जी महाराज जी उसी को मानते हैं देश उसी से चलेगा ये अफवाह में मत फैलिया ये अफवाह ये राजनीति का सबसे खटिया स्तर विरोधी लोगों ने अपनाया ये बेर का राजनीति एक आदमी को हराने रोकने 26 लोग का दल तब हम कहा अरे घुस जाला बिलिया में अरे घुस जाला कुल माफिया लोग अरे विरोधी जो माफियाओं के जनक थे जो हर जिला चलाते थे वो पार्टी विरोध में आयल बा अब वो समय गई जब अनपढ़ रखते थे आप गवार रखते थे जान के अब हमार माई बहन बच्चा लोग पढ़ लिया
अब युवा लोग हर बिरादरी का, कौनों भी बिरादरी का, उनके मालूम का दंगा नहीं होता। तब कहा अरे घुस जाला बिलिया में सांप बिच्छू को जाए। कहता आज पूरा लोग कहता, पूरा देश कहता महाराज जी के देख के, महाराज जी हो सुला का कहला हो महाराज जी बदल देला। अरे घुस जाला बिलिया में सांप बिच्छू को चलेला जब चाप के का सब तारी उठाला चलेला जब चाप के बाबा का की। भारत माता की, बंदे बंदे बंदे। बहनों और भाइयों, इतनी भीषण तपती दोपहरी में भारतीय जनता पार्टी को अपना आशीर्वाद देने के लिए आप सब यहां पर आए हैं, मैं आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। और आपको मैं इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं कि आप लोग तो खैर हम लोग तो आप ही के परिवार के हिस्से हैं, लेकिन जो पसीना भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी के लिए आप बहा रहे हैं, इसका जो कर्ज होगा वह यहां के समग्र विकास से हम करके आपको लौटाएंगे। 70 वर्ष से ऊपर के जितने भी बुजुर्ग होंगे उन सबको प्रतिवर्ष 5 लाख रुपए की फ्री में उपचार का कार्ड उपलब्ध होगा। मोदी जी ने घोषणा की है 4 करोड़ गरीबों के मकान बनाए गए हैं, जितने बाकी बचे होंगे इनके भी मकान बनेंगे, कोई भी इनको मकान से वंचित नहीं कर सकता। बहनों और भाइयों, सुरक्षा भी, सम्मान भी, विकास भी, गरीब कल्याण भी, काशी में काशी विश्वनाथ धाम, अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि में अयोध्या धाम एक बार फिर से हम सबको त्रेता युग की ओर ले जाने की स्थिति में है। बहनों और भाइयों, आज जब एक और भारतीय जनता पार्टी मोदी जी के नेतृत्व में आत्मनिर्भर और विकसित भारत के लिए कार्य कर रही है, वहीं दूसरी ओर ये समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन भारत के विभाजन के लिए, भारत में आपस में बांटने के लिए तमाम प्रकार के षड्यंत्र कर रहा है। इनका घोषणा पत्र कहता है कि अगर इनको अवसर मिलेगा ये भारत के साथ गद्दारी करेंगे, भारत के साथ धोखा करेंगे। वैसे भी ये दो लड़कों की जोड़ी जब भी मिलती है अनर्थ होता है। याद करिए, जब समाजवादी पार्टी की सरकार प्रदेश में थी, केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी, अयोध्या में राम जन्मभूमि पर आतंकी, काशी में संकट मोचन मंदिर पर हमला हुआ था। और बहनों और भाइयों, आज लोग फिर से अपनी उसी मनसा के साथ आकर के देश के सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न करना चाहते हैं, देश के अंदर अव्यवस्था पैदा करना चाहते हैं। कहते हैं पर्सनल लॉ लागू करेंगे। पर्सनल लॉ का मतलब आप जानते हैं? पर्सनल लॉ का मतलब है 3 तलाक की कुप्रथा को, जिसको मोदी जी ने समाप्त किया, उसको फिर से लागू करना चाहते हैं। पर्सनल लॉ लागू होने का मतलब तालिबानी शासन, बेटी स्कूल नहीं जा पाएगी, महिलाएं ऑफिस और बाजार नहीं जा पाएंगी, बुर्का पहन करके घर में दुपक के रहना पड़ेगा। और भारतीय जनता पार्टी घोषणा कर रही है भारत की व्यवस्था बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के द्वारा बनाए गए संविधान से चलेगी, किसी शरीयत के कानून से भारत को नहीं चलने देंगे। बहन और भाइयों, ये लोग कहते हैं वरासत टैक्स लगाएंगे। वरासत टैक्स का मतलब आप पे जजिया कर, जजिया कर मध्यकाल में औरंगजेब ने लगाया था। बहन और भाइयों, औरंगजेब मुगलों का एक क्रूर बादशाह था, इतना क्रूर था कि उसने अपने भाई की हत्या कर दी थी, अपने बाप को जेल में बंद करके पानी के लिए, उसे एक एक बूंद पानी के लिए तरसा दिया था। इसका बाप शाहजहां, जिसने आगरा का ताजमहल बनाया, वो आज भी इस बात को कहता है, वो इस बात को कहता है, आपको देखना है खुदा भक्त लाइब्रेरी पटना में जाकर के देखिए, वो कहता है कि कमबख्त औरंगजेब तू जैसा पुत्र किसी को पैदा ना हो, तूने जीते जी मुझे एक एक बूंद पानी के लिए तरसाया है। तो उससे अच्छे तो ये हिंदू हैं, अपने बड़े बुजुर्गों का सम्मान करते हैं, जीते जी सम्मान करते हैं, और मरने के बाद श्राद्ध और पितरों का तर्पण करके उन्हें सम्मान देने का काम करते हैं। बहन और भाइयों, औरंगजेब ने हिंदुओं पे कर लगाया था, उसका नाम था जजिया कर। जजिया कर हिंदुओं के लिए था कि हिंदू या तो जजिया कर दे और नहीं तो मुसलमान बने। बहन और भाइयों, ये वरासत टैक्स समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का, ये औरंगजेब का जजिया कर है। हमें भारत में फिर से औरंगजेब को पैदा नहीं होने देना है। क्या औरंगजेब पैदा होगा क्या? फिर से औरंगजेब को पैदा होने देंगे क्या? वरासत टैक्स देंगे क्या? और इसीलिए हम लोग आए हैं। ये कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के लोग देश के खिलाफ साजिश कर रहे हैं, हमें साजिश पूरी तरह विफल करनी है। और इसके लिए आपने मोदी जी को चुना तो सम्मान बढ़ा, सुरक्षा बढ़ी, विकास हुआ, गरीब कल्याणकारी कार्य हुए,
और साथ साथ अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण भी हुआ। मोदी जी है आतंकवाद समाप्त, मोदी है विकास है, मोदी है विरासत है, मोदी जी है गरीबों का कल्याण है। लेकिन बहनों और भाइयों, ये सब हुआ है आपके एक वोट के कारण। वोट सही जगह गया, आतंकवाद समाप्त, नक्सलवाद समाप्त। वोट अगर गलत जगह जाता था तो आतंकी विस्फोट होते थे, सुरक्षा को खतरा होता था। और इसीलिए देश आपका, चुनाव भी आपका, वोट भी आपका, और भविष्य भी आपका, और फैसला भी आपका। और यही अपील करने के लिए हम लोग आए हैं। सहजनवा ने हमेशा 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 भाजपा को अपना आशीर्वाद दिया है, और इस बार फिर मैं आया हूं। रवि किशन शुक्ला को भारतीय जनता पार्टी ने अपना प्रत्याशी बना करके आपके बीच उतारा है। बहनों और भाइयों, एक कलाकार अपनी कला के माध्यम से जितनी सेवा कर सकता है वह सेवा कर रहा है। विधायक आपके यहां पे प्रदीप शुक्ला हैं, बराबर विकास के लिए प्रयास करते हैं, वह भी इसमें आगे बढ़ करके लगातार सहजनवा को एक सर्वोत्तम विधानसभा के रूप में स्थापित करने के लिए कार्य कर रहे हैं। और बहनों और भाइयों, मैं तो इस बार रवि किशन शुक्ला से कहूंगा, रवि किशन जी से मैं कहूंगा, इस बार जब फिल्म बनाएंगे तो सत्यव्रत जी को और आरडी सिंह को अपनी फिल्म में जरूर ले लेना। सत्यव्रत जी तो ऐसे लगेंगे जैसे 20-25 साल का कोई नौजवान है, देखो आज भी एकदम जवान लगते हैं। सत्यव्रत जी थोड़ा खड़े होके दिखाइए भाई, खड़े हो जाइए, लोग देखने थे आपको। देखिए अभी सिर पे सारे बाल हैं, देखो अश्विनी जी बुजुर्ग लग रहे हैं, अश्विनी त्रिपाठी बुजुर्ग लग रहे हैं, सारे बाल उखड़ गए, लेकिन ये है। और इस बार फिल्मों में इनके साथ इसमें नायक सत्यव्रत त्रिपाठी होंगे और रवि किशन खलनायक होंगे उस फिल्म में, ठीक है ना। लेकिन इस चुनाव में गोरखपुर में नायक के रूप में रवि किशन होंगे, कमल चुनाव चिन्ह लेकर के। आपका आशीर्वाद मिलेगा ना, सहजनवा आशीर्वाद देगा। देखो कमल चुनाव चिन्ह पे जो वोट आप देते हैं, प्रदेश के लिए देते हैं तो मेरे पास, और केंद्र के लिए देते हैं तो मोदी जी के पास सीधे जाता है। आप सब आशीर्वाद देंगे, जिताएंगे, भारी वोट से जिताएंगे। अच्छा मुझे बताओ, 2 दिन बाकी रह गए हैं, कल शाम को प्रचार बंद हो जाएगा, परसों घर घर आप जा सकते हैं, ये 2 दिन देश के लिए कितने लोग देंगे, कितने लोग देने को तैयार है? दोनों हाथ खड़ा करके मुझे बताओ, देंगे 2 दिन देश के लिए? ये 2 दिन आपको काम करना है। 2 बात बताऊंगा मैं, एक, इन 2 दिनों में 25-25 घरों में आपको जनसंपर्क के लिए जाना है, और जितने भी मतदाता होंगे उनको कमल खिलाने के लिए, आत्मनिर्भर और विकसित भारत के लिए, राम राज्य की संकल्पना के लिए, मोदी जी को फिर से प्रधानमंत्री बनाने के लिए भारत